हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा आज आपको संतान गोपाल स्त्रोत के बारे में बताऊंगा। जिन जातक को या जिन माताओं को संतान की प्रॉब्लम है, उनको संतान नहीं होती, विवाह के लंबे समय के बाद भी संतान बाधा से पीड़ित है, संतान नहीं होती, दुखी हैं, उनके लिए एक ऐसा सटीक है ये गोपाल स्त्रोत है, संतान गोपाल स्त्रोत सटीक है बिल्कुल, इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि आपने सारे जतन करके छोड़ दिए हैं, कई प्रकार के इलाज कराए, महंगे महंगे, इसके बाद भी आपको कोई सफलता नहीं मिली है, तो यदि आप मेरी सलाह मानते हैं, मैं कोई आपसे पैसे नहीं ले रहा हूँ, निःशुल्क सलाह दे रहा हूँ, संतान गोपाल जो है शास्त्रोक्त है, शास्त्रों से लिया गया है, और ये संतान गोपाल स्त्रोत का कोई अपने मनोयोग से, मन से, इच्छा से, श्रद्धा से और पूरी तड़प के साथ यदि वो पढ़ता है तो इसका फायदा होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। संतान गोपाल स्त्रोत यदि आपको पढ़ना है तो गीता प्रेस में का 1748 नंबर का है संतान गोपाल स्त्रोत, इसका पाठ आप कर सकते हैं। जैसे संतान प्राप्ति के शास्त्रीय उपाय इसमें बताए गए हैं और पुत्र प्रद पांच व्रत भी बताए गए हैं, संतान गोपाल मंत्र विधि है, संतान गोपाल स्त्रोतम है, षष्ठी देवी स्त्रोतम भी बताया गया है इसमें, गो पूजन अभिलाषष्टक अभिलाष्टक स्त्रोतम इत्यादि बताए गए हैं कि संतान प्राप्ति के और भी उपाय जो शास्त्रोक्त है, जो शास्त्रों में दिया है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। तो मेरा मूल जो उद्देश्य है आपको संतान गोपाल स्त्रोतम के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, और हो सके आपको मैं निवेदन ये करता हूँ कि कई लोग किसी पुरोहित के माध्यम से, किसी पुरोहित को लगा के भी पाठ कराते हैं, कोई बात नहीं, करा सकते हैं, लेकिन आप स्वयं भी कर सकते हैं, कि वो बड़ा सरल सा है, आप स्वयं भी इसका पाठ कर सकते हैं, आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर असर होगा, मेरा ऐसा मानना है। यदि आप पुजारी के माध्यम से कराएंगे तो शायद उसका उतना असर ना हो, लेकिन आप स्वयं करेंगे तो उससे सबसे ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। ये जो सामान्यतः सामान्यतः विवाह उपरांत नव दंपत्ति को संतान की प्राप्ति स्वाभाविक है, परंतु प्रारब्धवशात कभी कभी किसी व्यक्ति को ग्रह बाधा के कारण संतान नहीं होती है, तो पुत्र प्राप्ति के लिए वह व्यक्ति औषधि उपचार के साथ देवाराधना अनुष्ठान तथा हरिवंश पुराण के श्रवण आदि का सहारा लेता है। देखिए इसमें हरिवंश पुराण की भी बात आती है कि हरिवंश पुराण के श्रवण से आपको उसका फायदा मिलता है। यद्यपि प्रबल प्रारब्ध को मिटाने में कठिनाई होती है, परंतु अधिकतर लोगों को सफलता मिलती है। फ्रेंड्स, यदि किसी के प्रारब्ध में, डेस्टिनी में ऐसा लिखा ही है कि उसको संतान नहीं होगी, तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कहा गया है कि अधिकतर मामले में संतान गोपाल स्त्रोत के पाठ से लाभ मिलता है, सफलता मिलती है। अपने शास्त्र संतान प्राप्ति के लिए मंत्र अनुष्ठान की विधि बताते हैं, इन्हें सावधानी पूर्वक करने से सफलता प्राप्त होती है। संतान प्राप्ति कुछ शास्त्रोक्त विधियां यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। सनत कुमार संहिता से लिया गया संतान गोपाल स्त्रोत, मंत्र का जप, उसकी विधि इत्यादि इसमें बताई गई, आप इसको खरीद के पढ़ सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। गो पूजन अभिलाष्टक स्त्रोतम इत्यादि इसमें आगे बताया गया है। ये मंत्र भी बताया गया, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौ गो देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगपते देहि मे तन्मय कृष्ण तवा तवामहम शरणम गतम, भगवान कृष्ण का एक मंत्र है। इस तरीके के संतान गोपाल स्त्रोत होता है ये, इसमें हिंदी में भी दिया है और संस्कृत में भी दिया है। श्री सम कमल पत्राक्षम देवकी नंदम हरिम सुत सम प्राप्त ये कृष्ण नमामि मधुसूदनम, ये दिया है, जो आपको गीता प्रेस से आप ले सकते हैं, कोई ऐसी प्राप्ति में कोई कठिनाई बाधा नहीं है आपको। मैं आपको एक स्पेशल दिखाता हूँ गीता प्रेस का, यही वाला जो 1748 नंबर का है, इस तरीके से होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको आसानी से उपलब्ध हो, बहुत मैं जो बताया हूँ सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, षष्ठी स्त्रोतम भी दिया हुआ है, ये इस तरीके से होता है आपको, ये पूरा लगभग 101 श्लोक का है ये, और आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको लाभ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको श्रद्धा से पढ़ना होगा, निश्चित रूप से भगवान कृष्ण आपको जो है संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र हो या पुत्री हो, ये ईश्वर की मर्जी पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को, मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं और आगे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।